बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की टॉप 10 खबरों पर। आज वाराणसी आएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह, प्रदर्शन में गिरफ्तार लोगों के परिवार वालों से करेंगी मुलाकात। साल का पहला चंद्रग्रहण आज रात 10:37 से 11 जनवरी सुबह 2:45 तक रहेगा चंद्रग्रहण। आज से हो रही माघ मेले की शुरुआत, संगम तट पर लाखों की संख्या में डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालु। गोरखपुर से प्रयागराज के लिए शुरू हो रही हवाई सेवा, इंडिगो ने तैयार की पूरी, पहले ही सप्ताह में 60% टिकटों की बुकिंग पूरी। मेरठ में एबीपी गंगा की खबर का दमदार असर, खबर दिखाते ही तुरंत घूसखोर दारोगा सस्पेंड, रिश्वत ले रहा था चौकी इंचार्ज। यूपी पुलिस में शुरू होगी कमिश्नर प्रणाली, जल्द नोएडा और लखनऊ से शुरुआत, आईजी रैंक के अधिकारी को कमान, कमिश्नर प्रणाली को मुख्यमंत्री की रजामंदी। रुद्रप्रयाग में बर्फबारी की वजह हालत खराब, 20 से ज्यादा गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा, बिजली और पेयजल व्यवस्था भी बाधित। निर्भया गैंग रेप केस में दोषी विनय ने दाखिल की क्यूरेटिव पिटीशन, 22 जनवरी को फांसी पर रोक लगाने की मांग, पटियाला हाउस कोर्ट ने जारी किया है डेथ वारंट। नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने की अर्थशास्त्रियों से चर्चा, बजट में फाइनेंस एक्सपर्ट्स भी मौजूद, 1 फरवरी को पेश होगा मोदी सरकार का बजट। और आज रिलीज हो रही है लोगों की मोस्ट अवेटेड फिल्म छपाक, दीपिका पादुकोण ने निभाया है फिल्म में एसिड अटैक पीड़ित का किरदार, एमपी छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री हुई फिल्म। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga, ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।